सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। 7 मिनट हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देव भगवान श्री राम के गर्भगृह की ओर पधारते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ स्थित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस राष्ट्र में जागते रहे और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहे। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं। गर्भबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का।
जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे लाल रामलला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है, ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है, ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी। यहाँ दीपोत्सव
रामोत्सव और यहाँ की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहाँ की गलियां गुंजायमान होंगी। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलही राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विह्वलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी।
जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंड कहा गया, वह सदियों तक अभिशिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही, अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया, और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभार रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टा के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पीढ़ी नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासियों के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है, और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए,
प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवन आदर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है। हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है, आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, वो स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए, स्वयं को उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवन आदर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है और इन समस्त जीवन आदर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं। और उसका मार्ग तप ही है। भगवद गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है, आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन, और उसको
उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं, आपकी परम पूजनीय माताजी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका यह अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया, नासिक से आरंभ किया, गुरुवायुर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए, इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए, 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना। मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया, उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था, भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर, आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा लक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो, तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारु, अखंड स्थितिता निर्धारु, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं।
मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज,